दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाएं दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। खटिया पर सोने के फायदे जानकर आप ही कहेंगे कि हमारे पूर्वज किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने खटिया ही क्यों बनाई? सोने के लिए वो लड़की के तख्तों से बैद या खटिया भी बना सकते थे, जैसे कि तख्तों के दरवाजे सबके यहाँ होते थे। तो आज हम आपको बताएंगे खटिया पर सोने के फायदों के बारे में। पहले सब लोग खटिया पर सोते थे क्योंकि पहले लोग काफी मेहनत करते थे और मेहनत के बाद अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है, जो बेड में नहीं आ सकती। क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आप रात रात भर करवटें बदलते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती, जिससे आपको बेचैनी, कमर दर्द, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। लेकिन खटिया पर सोने से ऐसा कुछ नहीं होता। एक खटिया पर सोने से आपका शरीर शेप में रहता है, जिससे आपको सोने में कोई तकलीफ नहीं होती और आपको अच्छी नींद आती है। तो आपने देखा होगा कि खटिया पर जाली नुमा ढेर सारे छेद बने होते हैं, ऐसा आपने आरामदायक कुर्सी और पुराने पालने में भी देखा होगा। ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, जिससे हमारे शरीर का रक्त संचार ठीक होता है। तीन, जब हम सोते हैं तब माथा और पाँव के मुकाबले पेट को अधिक खून की जरूरत होती है, क्योंकि रात हो या दोपहर लोग अक्सर खाने के बाद ही सोते हैं। उस समय पेट को पाचन क्रिया के लिए अधिक खून की जरूरत होती है, जो हमें खटिया पर सोने से मिलता है। बेड या तख्त में सोने नहीं मिलता, इसलिए खटिया पर सोने की वजह से हमारा पाचन सही रहता है और हमें पेट संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।